मैं हुण जीवा के मर जावा। आज भी तुम्हारी इज्जत रख रहा हूं, बुरा हो गया हूं तुम्हारे माँ बाप के सामने, अपने माँ बाप के सामने, घर से निकाला गया हूं मैं, नजर नहीं आ रहा तुम्हें, इससे बड़ा एहसान नहीं कर सकता तुम्हारी जिंदगी पर। मर गया इधर गलती सरा सरनवास की, वो चाहता तो हम सब मिलके हैदर को समझा सकते थे। अमल की शादी सफीर से करते हैं। सफीर बेटा, मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि अपने एक बेटे की वजह से मैं सर झुका के जीऊं, लोगों से नजरें ना मिला सकूं। और दूसरा रास्ता यह है कि मैं अपने दूसरे बेटे की वजह से सर उठा के जीऊं। तायबू से बोले मैंने सफीर का रिश्ता कबूल है। लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं हुण जीवा के मर जावा। फराजी, माँ का फी बिल आया था, याद से कल दे दीजिएगा। अबू, तायबू से बोले मैंने सफीर का रिश्ता कबूल है। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप हैदर को माफ कर दें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने जो कुछ मेरे साथ किया मैंने उसको माफ कर दिया था। अब मैं चाहती हूँ कि आप भी उसको माफ कर दें। लेकिन मेरे पास उसके लिए माफी जैसी कोई चीज नहीं है। तायबू, मैंने बहुत खुशी और रजामंदी के साथ आपके फैसले को कबूल किया। अब मैं नहीं चाहती कि मुझे एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल है कि मैं जिस नए रिश्ते से जुड़ने जा रही हूँ उसकी बुनियाद मजबूरी या किसी अजाले पर रखी गई हो। और ये सब उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम वो सब कुछ भूल जाएं जो कुछ हुआ है, एक दूसरे से दिल साफ कर लें, ये जानते हुए कि हैदर अपने माँ बाप और भाई से दूर है, मैं नहीं खुश रह पाऊंगी। तायमी, वो आपका बेटा है और मुझे पता है आप उससे नाराज हैं। आप उसे नहीं भूल सकती, आप हमेशा उसके लिए फिक्रमंद रहेंगी, उसकी याद आपको हमेशा बेचैन रखेगी। वो आपने जिस मान से मुझे अपनी बेटी कहा है, मैं उसी मान के हक से आपसे सिर्फ ये मांग रही हूं, हैदर को माफ करके उसको घर वापस बुला लें। बदनसीब हैदर, जो उसने तुम जैसी लड़की को खो दिया। वो कि मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन तुम्हें इनकार करके तुम्हारे जर्फ की तौहीन भी नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है।
जल्दी से फ्रेश हो जा, चेंज कर ले, नाश्ता करते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ। अम्मी, मुझे पूरा यकीन था कि अमल इनकार कर देगी। तुमने अपनी रजामंदी इस उम्मीद पे? मैं अपनी रजामंदी पर कायम हूं, और आप समझने की कोशिश करें कि मैं सबका गुनहगार बनूंगा। एक तरफ अमल है और दूसरी तरफ मेरा सगा भाई। आपको नहीं लगता हमें इस मामले में सब्र और तहमुल से काम लेना चाहिए? हैदर ने जो अमल के साथ किया, उसके बाद फराज और मानूर के लिए एक एक लम्हा किस कदर अजियत से गुजरा है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो सफीर। और ऐसे मामलों में तो अपनों को फौरन सहारा दिया जाता है, संभाला जाता है, इंतजार तो नहीं किया जाता। इस घर में हैदर की सबसे बड़ी तरफदार मैं थी, उसकी इस हरकत के बाद मेरा सर शर्म से झुक गया। तुम्हारे अबू से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही, और अगर तुम भी आमी, प्लीज, सब जानता हूं मैं। और आप भी समझने की कोशिश करें कि ये सब मेरे लिए कितना मुश्किल है। ये सब अमल के लिए भी मुश्किल हो, और हैदर इस सब के बाद कैसे रिएक्ट करेगा इसका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। जानती हूँ मैं, नहीं होगा आसान ये सब कुछ, लेकिन सफीर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम पूरी कोशिश करोगे सब कुछ ठीक करने के लिए, और मुझे यकीन है कि तुम इसमें कामयाब भी हो जाओ। तक हैदर का ताल्लुक है तो उसे एहसानमंद होना चाहिए कि इस घर के दरवाजे उस पर फिर से खुल रहे हैं, और शायद ऐसा आखिरी बार हो। हाय, हैदर कहाँ है? था लाउंज में। एक खबर देने आई हूँ। जिस अमल को तुम्हारा जमीर नहीं कबूल कर रहा था, तुम्हारे भाई के जमीर ने कबूल कर लिया। अमल और सफीर की शादी तय हो गई है। इसमें सर की चीजें हैं,
कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हैं, आप देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया जबर भाई, सब लेकर आने का। मैं चाय ला दूँ। रहने दें, बहुत शुक्रिया। बस ये कि सर की पेंशन के और माली वाजबात के जो मामला आते हैं उनको निपटाने के लिए आपको एक दिन यूनिवर्सिटी आना होगा, और उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। जी, अभी मुझे इजाजत दीजिए। इस बात पर भी परेशानी है कि सफीर क्यों उसे अपना रहे? नहीं, क्या चाहते हो तुम? सारी जिंदगी तुम्हारे गम में घर बैठी रहती है। मुझे इस बात की परेशानी नहीं है कि सफीर क्यों मान गया। मुझे अमल के हाँ कहने की परेशानी है। तो तुम क्या चाहती हो? जो कुछ हुआ है उसको रोज याद करके रोते रहे क्या? नहीं, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर किसी किस्म का भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। दैट्स इट। तुम कोई खिलौना नहीं हो अमल, कि हैदर नहीं तो चलो अब सफीर को दे देते। और एक सेकंड, ये तुमने बाहर क्या शर्त रखी है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मुझे तो तुम्हारा जहनी तवाजुन हिलावा लग रहा है। वो शख्स, वो घटिया शख्स जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, तुम वापस उसको उस घर में बुला रही हो? क्योंकि मैं उसको इस तरह से दरबदर होते हुए नहीं देख सकती। और मेरा रिश्ता सिर्फ हैदर से नहीं है, तायबु तायम्मी से भी है। और मैं नहीं चाहती कि उनके दिल में कोई खलिश रहे। गुड, तुम्हें तो शौक है महान बनने का, बनो महान। मुझे इससे क्या, मैं तो हमेशा तुम लोग को कहती रहती हूँ लेकिन मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। हैदर को बुला लो वापस, करो जो करना है तुम्हें। तुम चुप रह सकती हो प्लीज? हाँ, मैं चुप रह रही हूँ, बल्कि मैं सोने जा रही हूँ। लाइट ऑफ कर देना। आप सफीर भाई, मैंने बुलाया, उसको आ रहा है वो। थैंक यू। आप प्लीज तशरीफ रखें। नहीं, मैं ठीक हूँ। खाने में चाय?
मैं अपू ने बुलाया है। एक बार सोच ले यार, आई नो जज्बात में आकर तूने फैसला कर लिया, रिश्तों ने मुझसे एक बार... मैंने कोई जज्बात में फैसला नहीं किया, और कोई पछतावा नहीं है मुझे अपने फैसले का। ठंडे दिमाग से एक बार सोच ले, वक्त गुजरा नहीं, अम्मी अबू से मैं बात कर लूंगा, मना लूंगा सबको, मैं इनकार कर दूंगा तो बस एक बार मुझे मेरे लिए बात करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना देखो, अगर इनकार भी करना है तो अपनी वजह से करो, मेरी वजह से नहीं। घर के ही लोगों में सादगी से तकरीब कर ली जा रही, बिला वजह खुशियों को नजर लगती है। किसी की बेगैरती को नजर का नाम क्यों देती हैं आप? अभी रहने दें, खुद को इतनी तकलीफ ना दें। अमल ने मेरी बात मानकर जो एहसान मुझ पे किया है, शादी कैसी होनी चाहिए ये अमल ही तय करेगी। आप बार बार ये कह के मुझे शर्मिंदा कर रहे थे अबू। इससे कहो ये इस घर में तो आ गया है, लेकिन मुझे इसकी मौजूदगी का एहसास ना हो, यही बेहतर है। इसके लिए काश मुझे अंदाजा होता कि उस दिन मेरी गोद में सर रख के जो तुम सुकून मांग रहे थे, वो हम सबका सुकून बर्बाद कर देगा।
आपके शोहर को अगर इतना ही मसला था तो मुझे बुलाया क्यों? मेरे शोहर? तुम्हारा भी कोई रिश्ता है उनसे? वो रिश्ता जो वो खुद खत्म कर चुके। और उस रिश्ते का क्या जो तुमने तोड़ दिया? और उन सब रिश्तों का क्या जो तुम्हारी वजह से टूट सकते थे अगर अमल उन्हें टूटने से ना बचाती? हाँ, अमल ही है जिसकी वजह से आज दोनों खानदान एक साथ बैठे हुए हैं, और अमल ही है जिसकी वजह से तुम्हारी इस घर में वापसी हुई है। सिर्फ एक शर्त रखी थी उसने सफीर से शादी पर रजामंदी के लिए कि तुम्हें माफ करके इस घर में वापस लाया जाए। मैं हुक्म नहीं दे रही हूं, मैं तुमसे दरख्वास्त कर रही हूं कि अब मजीद कोई तमाशा मत करना हैदर। बुरा हो गया हूँ तुम्हारे माँ बाप के सामने, अपने माँ बाप के सामने। घर से निकाला गया हूँ मैं, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? फिर भी सब तुम पर तरस खा रहे हैं, सब तुम्हें मजदूम समझते हैं। हाथ क्या जोड़ी मेरे सामने? उसमें अल्लाह ताला की बेहतरी ही होती है। हैदर अगर उसे शादी के बाद छोड़ देता, वो बेचारी तो कहीं की नहीं रहती। पता नहीं भाभी, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा तो रिश्तों पर से एतबार ही खत्म हो गया। चार साल हमने अमल और हैदर को साथ यूनिवर्सिटी में देखा। एक दूसरे के बगैर सांस लेना मुमकिन नहीं था। हैदर अमल के लिए हम सबसे लड़ता फिरता था, और आज वही हैदर अमल के साथ क्या सलूक कर रहा है? तुम क्यों रिश्तों पर से एतबार खो बैठती हो? अगर इस दुनिया में हैदर जैसे लोग हैं तो तुम्हारे भाई जैसे लोग भी तो हैं, जिन्हें रिश्तों का मान रखना आता है, उन्हें निभाना आता है। क्या नाम है हैदर के भाई का? सफीर। उसी की मिसाल ले लो। मेरी नजर में तो वह ज्यादा काबिल इज्जत है। तुम परेशान नहीं हो, वो बहुत खुश रहेगी, क्योंकि जिस रिश्ते में वो बंधने जा रही है ना, उस रिश्ते की मजबूती बहुत ताकतवर बना देती है। फोन बज रहा है। गुलाब क्यों है जख्मी हुए, ऐसे ख्वाब क्यों है? किसको सुनाऊं अपना हाल रब्बा, जिंदड़ी कर
सवार रब्बा मैं हुण जीवां के मर जावां, मैं हुण जीवां के मर जावां, मैं हुण जीवां के मर जावां, मैं हुण जीवां के मर अमल बेटे मेहंदी वापस से लगवा लेना। क्या फर्क पड़ता है अम्मी, जब पहले लगवाई थी तो कौन सा मुझे कोई सुख मिल गया। नसीब तो खुदा लिखता है ना, उसमें शिकवा नहीं करते, उससे राजी होते हैं। अब जो कुछ भी हुआ उसमें सफीर का क्या कसूर है, उसकी खुशियों को तो मान मत करो। कम से कम इतनी तो कोशिश करो कि उसे एहसास हो कि तुम खुश हो। दुल्हन बनूंगी अम्मी, जोड़ा पहनूंगी, तैयार होंगी, सफीर का हर तरह से ख्याल रखूंगी मैं। लेकिन जहां तक बात मेरी खुशियों की है उसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं। सफीर जल्दी आओ बाहर, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ बेटे रेडी, चले जी। आप लोग चले, मैं आता हूं। जुल्म कर रही हो तुम खुद पर अमल, और हिम्मत है उसी घर में रुखसत होकर जा रही हो जहां एक एक चीज से तुम्हारी और हैदर की यादें जुड़ी हैं। मेरा अल्लाह गवाह मनाऊ, मैं ये सब हैदर के लिए कर रही हूँ। वो मेरे सामने होगा लेकिन मेरा नहीं होगा। ये अजियत सिर्फ इसलिए सह रही हूं कि उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचे। जर्फ है तुम्हारा, खुद को मुसलसल अजियत में डालने जा रही हूं। एक ऐसे शख्स के लिए जो बिल्कुल एहसास से आ रही है,
मुझे बदले में उसका एहसास नहीं चाहिए। मैं बस अपनी मोहब्बत निभा रही हूँ। तैयार हो जाओ, पहले तुम तैयार हो जाओ, फिर मेरी हेल्प करवा देना। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। तुम्हें साथ चलने का कहूं या ना कहूं, हैदर एक भाई होने की हैसियत से मेरी ख्वाहिश थी कि इस जिंदगी के अहम तरीन दिन में तुम मेरे साथ हो। मैं जानता हूं कि शायद तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तुम्हारी खुशी में खुश होने के लिए जरूरी नहीं है मैं तुम्हारे साथ हूं। ये यकीन होना जरूरी है कि तुम खुश हो।
ते हुण जीवां के मर जावां। गुलाब क्यों है जख्मी हुए ऐसे ख्वाब क्यों है किसको सुनाऊं अपना हाल रब्बा जिंदड़ी करे ये सवाल रब्बा मैं हुण जीवां के मर जावां मैं हुण जीवां के मर जावां।